नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDP इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर दोस्तों, जहां पे दोस्तों जबरदस्त गिरावट आई और गिरावट के बाद उसके पीछे के रीज़न क्या है और दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर गिरावट हुई है, जहां से हमें लो रिस्क हाई प्रॉफिट स्ट्रेटेजी बन रही है दोस्तों। 253.80 का दोस्तों अभी का क्लोजिंग प्राइस है, 4.21% की गिरावट हुई है दोस्तों। स्टॉक ओपन हुआ 279 पे, हाई बनाया 279 पे और लो बनाया 248 का दोस्तों। और यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड देखिए दोस्तों, तो 10 करोड़ से ज़्यादा की क्वांटिटी और डिलीवरी क्वांटिटी अगर बात करें तो 3.42 करोड़ से 34.11% की दोस्तों डिलीवरी हुई है दोस्तों। अब रीज़न क्या है इस गिरावट के पीछे का दोस्तों, तो समीर गहलोत जी है जो उनके प्रमोटर है, टू हाल वो होल्डिंग इन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, और वो जो अपना होल्डिंग है दोस्तों वो बेचना चाहते हैं दोस्तों थ्रू अ बल्क डील। अब बल्क डील की अगर बात करें तो दोस्तों पिछले जो बल्क डील हुई है वहाँ पे जब ट्रेडिंग फाइनेंशियल ने परचेज किए थे 2 दिसंबर को, और HRTI प्राइवेट लिमिटेड जहाँ पे उन्होंने पहले सेल भी किए थे दोस्तों, तो वो सेम हो गया, यहाँ पे भी आप देखेंगे परचेज सेल हो चुका है दोस्तों। तो जंप ट्रेडिंग और वो सब दोस्तों ऐसे ही कर रहे हैं, बट दोस्तों जो बड़े नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास, तो वो है US बेस्ड 731 बिलियन इन्वेस्टमेंट जायंट ब्लैकस्टोन एंड 650 बिलियन सोवरेन वेल्थ फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, वो दोनों दोस्तों है और वो लोग परचेस कर लेंगे तो दोस्तों स्टॉक में गिरावट नहीं आएंगी और बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल के ऊपर दोस्तों स्टॉक खड़ा हुआ है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करें तो दोस्तों 21.69% का भी प्रमोटर का होल्डिंग है, जहां पे समीर गहलोत ट्रस्ट का जो होल्डिंग आ रहा है वो आ रहा है 13.89 लास्ट जो क्वार्टर है उसके हिसाब से दोस्तों। और बाकी जो होल्डिंग है दोस्तों यहां पे आप देखेंगे कि FII के होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है दोस्तों और 27.15% है, और DII का होल्डिंग भी दोस्तों सेम है, कंटिन्यूसली डिक्रीज ही हो रहा है दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर से दोस्तों, और अभी पब्लिक के पास है 35.10। अगर दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा और भी नज़र डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिखेंगे बड़े बड़े नाम, HSBC का नाम है, वनगार्ड इमर्जिंग है, सोशलिस्ट जनरेट है, BNP पारिदास अपडेटाज है, यानी कि बड़े बड़े FIIs ने अपने पैसे लगाए हुए इस स्टॉक में। और रिटेल होल्डर के पास अगर देखें इंडिविजुअल शेयर कैपिटल पर 2 लाख, वो दोस्तों 23.15% का शेयर होल्डिंग है, 10.69 करोड़ शेयर यहाँ पे है दोस्तों। अब कौन सी स्ट्रेटेजी के जरिए पैसे बनाए जा सकते हैं उसके ऊपर बात करें, उससे पहले डिलीवरी में दोस्तों कोई अप एंड डाउन नहीं है, 24-25% के आसपास की डिलीवरी है। अब आ चुके हम चार्ट के ऊपर दोस्तों, वीकली चार्ट है और दोस्तों ये वीक में क्या गजब का वॉल्यूम दोस्तों हमें दिख रहा है दोस्तों, और स्टॉक ने मूवमेंट भी बहुत ही गजब से दी है दोस्तों, स्टॉक ऊपर भी इतना गया दोस्तों ये वीक की अगर बात करें, अभी भी चल रहा है वीक, ओपन हुआ है 265, हाई बनाया 279 का, लो बनाया 248 का दोस्तों, क्लोज दिया 254 का दोस्तों। आज का जो पूरा दिन है वही पूरे एक वीक की कहानी बोल देता है, क्यों दोस्तों मैं आगे चार्ट में बताऊंगा। अब मैंने बोला था इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, तो 250 का लेवल बहुत ही नेक एंड ब्रेक है, और इस लेवल को दोस्तों ये आज से नहीं दोस्तों, ये स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है बहुत टाइम से दोस्तों। प्रीवियसली दोस्तों ये जब ब्रेकआउट आया था दोस्तों, तब मैंने आपको बाई करने को बोला था और वहाँ पे हमें 310 के टारगेट अचीव करके हम वापस आए थे, टारगेट को 310 का था वो हमने रिट्रेसमेंट के जरिए बताया था और वहाँ पे टच करके हम वापस आए थे दोस्तों। काफ़ी कबार हमने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, जब भी इस लेवल के आसपास आता है स्टॉक तब हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के जरिए पैसे बनाते हैं दोस्तों। अब ये सपोर्ट ये लेवल जो पहले रेजिस्टेंस लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था, तो दोस्तों देखिए वीकली रेजिस्टेंस देखिए 5 मार्च का जो 2021 में बना था दोस्तों 251 का, यहाँ पे देखिए दोस्तों 19 फेब का 247 है, यहाँ पे 8 जनवरी का 250 है दोस्तों, और भी बहुत सारे वीक है दोस्तों, जहाँ पे 17 जुलाई 2020 में 250 का था हाई, और यहाँ पे देखिए 26 जून पे भी सेम सिचुएशन था दोस्तों, यानी कि ये जो लेवल था वो बहुत ही बढ़िया था, जैसे ही इसको तोड़ा और स्टॉक में जबरदस्त तेजी हुई। इस बार दोस्तों पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आई थी, प्रीवियस वीक में थोड़ा क्लोजिंग आया, बट यहाँ पे हमें बहुत ही बढ़िया रनअप मिल चुका है दोस्तों, बट अब यहाँ पे गिरावट आ चुकी है। डेली चार्ट के ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल आज के दिन में हाई बना के सीधा नीचे पटक दिया है स्टॉक को, तो सीधा अब सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, 250 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, और टारगेट आप रख सकते हैं दोस्तों अपने हिसाब से। अगर 250 का लेवल 15 मिनट का जो कैंडल है दोस्तों वहीं पे दोस्तों अगर वो तोड़ देता है दोस्तों ये स्टॉक जब 250 का लेवल, तो दोस्तों अगर नेगेटिव कैंडल आता है तो वहाँ से निकल जाने में ही भलाई है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि जो लेवल हमारा वीकली लेवल का दोस्तों है, बहुत पुराना दोस्तों लेवल हमने ढूंढ के आइडेंटिफाई करके निकला है। आप देखिए दोस्तों स्टॉक में गिरावट आई, बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे, यहाँ पे भी दोस्तों जैसे टच किया 15 मिनट के कैंडल के ऊपर बिल्कुल सतर्क वॉल्यूम हुआ नहीं है दोस्तों, पिछले दो
अगर आप जो 15 मिनट का कैंडल था उतना वॉल्यूम नहीं आया दोस्तों हमारे पास, बट दोस्तों बाईबैक आया दोस्तों, वहां से सपोर्ट तो ले लिया था दोस्तों स्टॉक ने, और 255 का सपोर्ट लेके स्टॉक को सीधा ऊपर गया और क्लोज दिया था दोस्तों उस टाइम पे 253 का, और उसी के आसपास क्लोज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे बाई सिग्नल नहीं बनता है दोस्तों कहीं पे भी, क्योंकि पॉजिटिव कैंडल किस हिसाब से भी नहीं है और वॉल्यूम भी हमारे पास नहीं है। बट देखिए दोस्तों उसी लेवल पे दोस्तों बायर्स आ गए, एक्टिव हुए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 254 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बाई कीजिए और 4 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और आपको अच्छे टारगेट आने वाले टाइम में मिल सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो दोस्तों एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही आप इसमें ट्रेड या निवेश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।